तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली आई विल कॉन्ग्रेस यू, आप क्लास नाइन्थ में प्रमोट हो गए हैं और ये क्लास की फर्स्ट वीडियो है। डियर स्टूडेंट्स, ये है आप मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा चैनल है यूट्यूब पर राहुल गुप्ता लेट्स लर्न केमिस्ट्री टू ऑल क्लासेस। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से केमिस्ट्री को आसान करने के लिए ये वीडियो देखने के लिए कहें। डियर फ्रेंड्स, हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री साइंस का सेकेंड पार्ट है। अभी तक आप एट्थ क्लास में साइंस को पढ़ते चले आ रहे थे, पर एक जगह पढ़ रहे थे सब कुछ। यहां पर नाइन्थ क्लास में आपको साइंस में तीन पार्टीशन पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। बहुत आसान है केमिस्ट्री, बस समझने का फेर है। यहां से शुरू करोगे तो साइंस आपको क्लास 12 तक कहीं नहीं छोड़ेगा। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री में नॉर्मली अभी तक आपने कभी केमिस्ट्री का वर्ड नहीं सुना होगा, सुना होगा तो बहुत कम सुना होगा, ना के बराबर सुना होगा। केमिस्ट्री में आपको हर उस चीज के बारे में सीखना है जो इस पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंस है, जिन्हें हम बोलते हैं मैटर। मैटर वो चीज होती है जो इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी स्पेस घेरे हुए है, यानी कि ऑक्यूपाई करे हुए है, और मास उसका कुछ ना कुछ है। सो मैटर की डेफिनेशन फर्स्ट लाइन में, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, सिल्वर, स्टील, कॉपर, कोल, आयरन, वुड, आइस, एल्कोहल, मिल्क, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल। ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल हैं जो आपके आसपास प्रेजेंट हैं, जिनमें थोड़ा बहुत स्पेस या मास जरूर प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड, स्पेस से मतलब होता है कि वो कितना वॉल्यूम रखते हैं, वॉल्यूम मतलब कितनी जगह घेर रहे हैं वो। डियर स्टूडेंट्स, हम जितने भी कंपोनेंट्स या जितने भी मैटर पढ़ते हैं, उनकी दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। उनमें एक टाइप होता है फिजिकल और दूसरी होती है केमिकल। आपको पता है ये पूरी दुनिया जो है, जो इस दुनिया में लिविंग और नॉन लिविंग एनिमल्स या थिंग्स या जो भी चीज प्रेजेंट हैं, उनमें पांच बेसिक एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं पंच तत्व, जिनमें की है एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ठीक है, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। आजकल के साइंटिस्ट ने इन प्रॉपर्टीज या इन पंच तत्व के बेस पर हर चीज में दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल क्या होता है? आपने तो फिजिकल फिजिकल आज तक पढ़ा ही नहीं, या पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आपने खेल में पढ़ा होगा, गेम्स वगैरह में। फिजिकल होता है वो प्रॉपर्टीज जिसमें हम उसकी स्टेट बताते हैं कि वो कैसा है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है या वो गैस है। समझ में आया स्टूडेंट्स? और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम उनकी कंडीशंस, किस तरीके से वो चेंज हो सकते हैं, कैसे कैसे वो रिएक्शन देते हैं, ठीक है, इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बात ध्यान से समझने वाली है कि वो हमारे इन फाइव एलिमेंट्स पर डिपेंड करती है। डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने वॉटर की ड्रॉप देखी है? आपको पता है वॉटर की ड्रॉप में कितने पार्टिकल्स होते हैं? आज मैं आपको बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, वाटर की एक छोटी पार्ट ड्रॉप में 10^21 यानी 10^21 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में। और कितनी छोटी सी लगती है ना ड्रॉप, उस ड्रॉप में इतने सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। क्या होगा सर, आप तो बस कुछ नए ही बता रहे हो। बिल्कुल, इतने सारे पार्टिकल्स एक ड्रॉप में प्रेजेंट, तो पूरे यूनिवर्स में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे? सो डियर स्टूडेंट्स, वी नेवर कैलकुलेट अबाउट दैट हाउ मच पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिवर्स। समझ में आया स्टूडेंट्स?
और ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, एटम प्रेजेंट नहीं है या मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। सर आप तो कुछ ना कुछ नया नया बताते चले जा रहे हो, हमारी समझ में नहीं यार। समझ में आएगा ना स्टूडेंट्स, आप पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। कई बार क्या देखा है आपने, आप मैं आपके घरों की बात करता हूं, आपने देखा है पानी में जब आपकी मदर कपड़े धोती हैं तो पानी में डिटर्जेंट डालती हैं। डिटर्जेंट क्या होता है, जब डिटर्जेंट डाला तो उस समय कहीं भी उसमें लेदर नहीं होते, झाग नहीं होते, और जब उसे थोड़ा सा शेक कर दिया हमने, उसे हिला दिया हाथ से, तो क्या होता है उसके अंदर झाग बन जाते हैं, लेदर बन जाता है। वो कैसे बनता है, वही चीज आपको यहां पर सीखने के लिए मिलेगी। आप सुबह उठते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट को जब आप ब्रश करते करते जाते हैं तो वो पेस्ट चाहे किसी भी कलर का क्यों ना हो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है या लेदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है, कभी सोचा नहीं आपने? सोप है, सोप आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, जब आप उसे रब करते हैं तो रब करने के बाद वो लेदर कैसे क्रिएट कर देता है, उसमें प्रेजेंट पार्टिकल्स की वजह से। सो जब हम कोई भी सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो वो उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने की कंडीशन अप्लाई करता है। जैसे कि एक एग्जांपल नीचे देख लीजिए, एक हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है पोटेशियम परमैंगनेट। घबराने की जरूरत नहीं, नाम बड़ा बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट, यानी पर्पल कलर का होता है ये। जब हम इसे कलरलेस वाटर में मिक्स करते हैं तो देखो कंडीशन देखो, सबसे पहले हमने टुकड़ा डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट का, तो वाटर में जाकर नीचे बैठ गया और धीरे 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 करके क्या हुआ, उसके क्रिस्टल जो थे, उसके जो पार्टिकल्स थे, वो वाटर में स्प्रेड आउट होने लगे, डिजोल्व होने लगे। और डिजोल्व होने के बाद हमने कुछ देर बाद क्या देखा कि सारा वाटर ही पर्पल कलर का कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स कि शुरू में जो पार्टिकल्स थे वो वाटर की एक ही जगह जाकर पोजिशन पर फिक्स्ड हो गए थे और धीरे धीरे करके वो पार्टिकल्स स्प्रेड आउट हुए और पूरे वाटर के पार्टिकल्स में जाकर मिक्स हो गए। इस तरीके से एक सॉलिड पूरे लिक्विड में डिजोल्व हो गया। ऐसे ही गैस का होता है, जब कोई भी एक गैस आपने ली, देखो सामने देखो, एक जार पहले वाले में क्या है कि हमने एक जार में गैस ले रखी है और दूसरा खाली लिया है। जब हमने उस जार को उसमें कनेक्ट करा तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, जो पार्टिकल्स उस कंटेनर के अंदर होंगे वो दूसरे कंटेनर में भी एंटर करेंगे, वो भी अपने आप उड़कर पहुंच जाएंगे, क्योंकि एयर को तो स्पेस चाहिए, वो तो कितना भी फैल जाएगा, कितना भी वैक्यूम को कवर कर सकता है। समझ में आया नहीं आया, वो कितना भी वॉल्यूम कवर कर सकता है। सो अब इस बात को समझिए, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन यहां पर मुझे समझाने थी डिफ्यूजन टर्म, तो डिफ्यूजन होता है जब हम कोई भी मैटर जो टिनी पार्टिकल्स से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है, और वो पार्टिकल्स पूरे दूसरे सॉल्यूशन में अनफॉर्चुनेटली जगह जगह घूमने लगे, भागने लगे, दौड़ने लगे, तो वो होता है डिफ्यूजन। जैसे कि एक एग्जांपल समझ लीजिए छोटा सा, आपकी मम्मी जी किचन में कुछ अच्छा बना रही है, लाइक आपको पसंद है हलवा या खीर, वो बन रही है। अब बनने के बाद क्या हुआ, शुरू में तो खुशबू हल्की हल्की आएगी, जब वो बनकर धीरे 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 करके तैयार हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी खुशबू आपकी नाक तक अपने आप पहुंच जाएगी, और पहुंचने के बाद क्या होगा, आपकी आप मम्मी से पूछ भी लोगे, आज क्या ये बनाया है आपने, पूछोगे नहीं पूछोगे, तो पता कैसे चला आपको, वो पार्टिकल्स जो गैस में या जो एयर में जाकर मिक्स हुए वो पार्टिकल्स आपकी नोज तक पहुंच गए। इसका मतलब कि जो पार्टिकल्स वो वहां से प्रोसीड हुए और आपकी नोज तक पहुंचे वो डिफ्यूज्ड हो गए, दूसरी चीजों में जाकर मिक्स हो गए। अब एक चीज और समझ लीजिए, थर्ड पॉइंट देखिए, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। पॉलन ग्रेन्स का मतलब क्या है, पॉलन ग्रेन्स का मतलब होता है कि वो पार्टिकल्स जो टेढ़ी मेढ़ी यानी जिग जैग टाइप की मोशन करे, लाइक अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं, कि किसी अंधेरे कमरे में एक छोटा सा होल कर दिया और वहां से सनलाइट एंटर होना स्टार्ट हुई, तो सनलाइट जब एंटर करेगी तो क्या होगा, सनलाइट एंटर होने पर क्या होगा, उस सनलाइट के आसपास आपको पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो कमरे में कुछ भी ना हो तब भी आपको पार्टिकल्स उड़ते हुए नजर आएंगे। और पार्टिकल्स उड़ने पर क्या होगा,
वो ही आपके पोलन ग्रेन्स का एक एग्जाम्पल है जिसे हमें रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में डिस्क्राइब किया था। उन्होंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने उन्हीं के नाम पर इस अन मूवमेंट या जिगजैग टाइप मोशन को क्या कहा गया, ब्राउनियन मोशन कहा गया, ठीक है। सो द जिगजैग मोमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। सो आप कैसे बताएंगे ब्राउनियन मोशन हो रहा है? सो वो मैटर जो होगा वो टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा और वो पार्टिकल्स कहीं भी घूम रहे होंगे, ना उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन होगी, ना उनकी कोई फिक्स मूवमेंट होगी, किसी भी तरह की कोई वो नहीं होगी। चलिए छोटी सी बात और कर लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जी स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा एक क्वेश्चन है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी क्वालिटी क्या होती है। अभी हमने एक छोटी सी बात करी कि मैटर जो मिलकर बना हुआ होता है वो छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। अब पार्टिकल्स यदि स्मॉल हो या ना हो, छोटा मोटा स्पेस तो कवर करेंगे ही वो। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब एक बात ध्यान समझिए, इस लास्ट वाले पॉइंट को बहुत ध्यान समझिए कि जो मैटर होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे यदि हमने लिक्विड की ड्रॉप पानी की फैला ली और उन्हें पास पास, कई बार क्या होता है वो लिक्विड अपने आप को, जो ड्रॉप होती है वो एक दूसरे से छोटी छोटी ड्रॉपों को अपने आसपास समेट लेती है, वो उसकी इसी प्रॉपर्टीज की वजह से होती है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट को हमने वाटर में डिजोल्व करा। एक बात और, यदि किसी भी सॉल्यूशन का कलर डार्क है और हम उसमें वाटर मिक्स कर दें तो वाटर मिक्स करने पर क्या होगा भाई, कलर हल्का हो जाएगा उसका, होगा या नहीं होगा? समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए देखिए सेकंड क्वालिटीज देखिए। तो सेकंड क्वालिटीज में क्या है, अभी हम बात ही कर रहे थे कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जब हम कोई भी पार्टिकल्स मिक्स करेंगे, मान लो इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि 100 ग्राम पानी लिया हमने वीकर में, 100 ml, 50 ग्राम शुगर ले ली। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जो शुगर होगी वो एक ही जगह पड़ी रहेगी, धीरे धीरे करके डिजोल्व हो जाएगी और डिजोल्व होने के बाद उस वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स में ही अपना स्पेस बना लेगी। समझ में आया फ्रेंड्स? तीसरा पॉइंट देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। देखो सॉलिड मैटर जो होता है वो तो बहुत धीरे धीरे करके डिफ्यूज होता है, पर लिक्विड और गैस बहुत जल्दी से डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपने मंदिर में अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती जलवाने के बाद जो स्मोग क्रिएट होगा वो स्मोग आपको अपने आप ही डिफ्यूज होते हुए नजर आ जाएगा। उसकी स्मेल आपको गेट पर खड़े होने के बाद भी समझ में आ जाएगी कि भाई हाँ पूजा हो रही है, डिफ्यूज हो रहा है, आपकी अगरबत्ती जल रही है, अगरबत्ती की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, सेंट। आप अपने कपड़ों में स्मैक कर लीजिए एक बार, जब आप सेंट छिड़केंगे तो क्या होगा, उसकी जो स्मेल होगी वो पूरे रूम में महक पड़ेगी। समझ में आई स्टूडेंट्स? और एक बात और है, यदि आपको यहां पर समझाने के लिए एग्जाम्पल यदि समझ में नहीं आ रहे तो आप पूछ भी सकते हैं। स्टूडेंट यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लास्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखो जितने भी मैटर्स प्रैक्टिकल होते हैं, आप ऐसा करो, देखो कोई भी आप एग्जाम्पल लोगे, बॉल के बीच में बॉल रखोगे या बहुत सारी बॉल को ले लोगे और उनको आपस में मिलाने की कोशिश करोगे, ऐसा तो है नहीं कि वो बॉल एक के अंदर एक घुस जाएगी, उन बॉलों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रहेगा या नहीं रहेगा, और वो बॉल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। सो देर आर सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच बाइंड देम टूगेदर। कुछ ऐसे भी फोर्स होते हैं जो एक दूसरे को मैटर के पार्टिकल्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें आपस में जोड़ के रहते हैं। जैसे कि एक नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता देता हूं, आपके पेरेंट्स से आपका रिलेशन,
आप बिना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपने पेरेंट्स के पास नहीं रहते हैं। आपको पता है कि आपके पेरेंट्स आपके फुल्ली सिक्योरिटी करते हैं, आपको अच्छी पढ़ाई देते हैं, आपकी जरूरतें पूरी करते हैं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उससे ज्यादा आप उन्हें प्यार करते हैं, ये सबसे बड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डियर फ्रेंड्स, जो आपको अपने पेरेंट्स से, अपने सिस्टर से, अपने ब्रदर्स से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से जोड़ कर रखती है। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, यहां तक ही आपको बस समझना है और पढ़ना है। कल हम नेक्स्ट वीडियोस के बारे में बात करेंगे। वीडियोस यदि आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल है राहुल गुप्ता लेट्स लर्न केमिस्ट्री टू ऑल क्लासेस। और यदि किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ऊपर लिखे हुए मेरे नंबर है 9058246919 6395496534। इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके क्लास, गुड बाय क्लास।